जो भी तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो भी मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। मती के ग्रंथ में विवरण है कैसे यीशु 12 प्रेरितों का चुनाव करते हैं और फिर उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हैं। उन्हें एक एक करके नाम दिया जाता है। ये मिशन की शुरुआत से यीशु के साथ होने और यीशु के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने चीज़ों को यीशु के तरीके से करना सीखा था, जैसे बीमारों, पापियों, बुरी आत्माओं से पीड़ित लोग और समाज के हाशिए में रहने वाले लोग, जिनसे सभी बचते हैं और निंदा करते हैं, उनका साथ देना। अपने लोगों के लिए प्यार के इस ठोस संकेतों के बाद ही यीशु ने खुद ये घोषणा करने की तैयारी की थी कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए प्रेषितों को यीशु के नाम पर उनके राजदूत के रूप में भेजा गया था। यह यीशु है जिसका प्रेरितों के माध्यम से स्वागत किया जाना चाहिए। बाइबल में अक्सर प्रमुख व्यक्ति जो अप्रत्याशित अतिथि की ओर खुले थे, उन्होंने पाया कि उन्होंने स्वयं प्रभु का अपने घरों में स्वागत किया था। आज भी कुछ संस्कृतियों में मेहमानों को पवित्र आगंतुक माना जाता है और सर्वोत्तम स्थान दिया जाता है, भले ही वह मेज़बान के लिए अज्ञात हो। जो भी तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो भी मेरा स्वागत करता है वे उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु ने 12 को निर्देश दिए उन्हें नंगे पैर और थोड़े सामान के साथ बाहर प्रचार के लिए निकलना था। एक हल्का बैग, एक अंगरखा, उन्हें खुद को मेहमान मानना था, दूसरों के आतिथ्य को विनम्रतापूर्ण स्वीकार करना था। उन्हें स्वतंत्र रूप से गरीबों की देखभाल और सहायता करने की पेशकश करनी थी और सभी को शांति का उपहार देना था। यीशु की तरह जब वे भी गलतफहमी और उत्पीड़न का सामना करते हैं तो वे धैर्य रखें और सुनिश्चित रहें कि पिता का प्रेम उनकी सहायता करेगा। इस तरह जो लोग उनसे मिल पाने के भाग्यशाली हो वो वास्तव में परमेश्वर की कोमलता का अनुभव करेंगे। जो भी तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो भी मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। शिष्यों की तरह सभी ईसाइयों का एक मिशन है। उन्हें उस परमेश्वर के प्रेम का साक्षी होना है जिसका उन्होंने सामना किया है। उन्हें पहले अपने कार्यों के माध्यम से और फिर अपने शब्दों के माध्यम से नम्रता के दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर का प्यार वास्तव में सभी लोगों के लिए एक हर्षित वास्तविकता बन जाए। वे लोग जिन्हें ईश्वर ने उनके अमानवीय चरित्र के बावजूद स्वीकार किया है, उन्हें अपने पड़ोसी का गर्मजोशी से स्वागत करने की पहल करनी चाहिए। सफलता और स्वार्थी स्वतंत्रता की खोज से चिन्हित समाज में ईसाइयों को परिवार की सुंदरता दिखाने के लिए बुलाया जाता है, जो सभी की ज़रूरतों को पहचानता है और पारस्परिक प्रेम को गति देता है। जो भी तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो भी मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा। क्यारा लुबेक ने सुसमाचार में पाए जाने वाले स्वागत के बारे में लिखा है, स्वर्गीय पिता का प्रेम से स्वागत करने और एक दूसरे से प्रेम रखने का पूरी तरह से प्रकटीकरण यीशु है। आइए इस शब्द को जीने की कोशिश करें हमारे जीवन में, परिवारों, संघों, समुदायों और कार्यस्थलों में। हम अपने पड़ोसियों के प्रति निर्णय, भेदभाव, पूर्वाग्रह, आक्रोश या असहिष्णुता की भावना को समाप्त करके ऐसा कर सकते हैं। हम अक्सर और आसानी से ऐसे दृष्टिकोण को प्राप्त कर लेते हैं जो हमें रिश्तों के प्रति ठंडा बनाता है, जो जंग की परत की तरह आपसी प्यार को नष्ट कर देता है। ऐसे लोग जो हमसे बहुत अलग हैं, उनको स्वीकार करना ही ईसाई प्रेम का आधार है।
प्रेम की सभ्यता और फेलोशिप की संस्कृति के निर्माण में पहला कदम बढ़ाने की ये शुरुआती बिंदु है। यीशु भी हमसे यही चाहता है।